इनकलाबी गाल के जी मांग खबर ही कान कायद अजम मोहम्मद अली जना चयो तो हाने मुस्लिम लीग की का जरूरत कान है हाने पाकिस्तान लीग ठहन खबे नो मुस्लिम नो हिंदू नवाई वक्त आर्टिकल लिखियान से आज दिए ताई पढ़ो पंजाब बगावत की लियाकत अली दौलताना पा में गजी मुला हाथ करे इनन गैंग ट्राए उन के खिलाफ तूफान अजीम कयो जिना के इंसल्ट कयो सुप्रीम कोर्ट बोल कयो त जे कनी फौजी आमर अची वेन तभी न पुजी सको तो मार्च कर रहो जैसे लहे तो उनके पकड़े उनके कैद हाँ केस केस हलो उनके सजाऊँ दियो जे उन्होंने कानून पास किया हुए वो सब रद्द कर छो नई कानून ठाओ इन्हें जुडिशरी के खत्म कर छो कायद अजम जो समूरों शहर तलक को पाकिस्तान आज़ाद मुल्क कर छो हि गुलाम मुल्क इन मौजूद निज़ाम जो पाकिस्तान से को वास्तो को जिना की उबतड़ा भवाए तो ख्वाब आ तहरीक मीडिया के हर इंदड़ वीडियो दिसण के लिए गाढ़े रंग के सब्सक्राइब के बटन के दबायो उन के भरसा घंटी के बटन के जरूर दबायो इन से असां जो नई वीडियो सब का पहिरीं तव्हां खे दिसण लाइ मिली सकंदियूं वीडियोस पसंद अचन त लाइक कयो शेयर कयो ऐं कमेंट कयो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम असां पंहिंजे प्रोग्राम डायलॉग में अॼु जंहिं मौज़ू ते गुफ़्तगू कंदासूं उहो पाकिस्तान जे क़याम जो ॾींहुं 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के क़याम के बारे में मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के नज़रन के मानुन जा मुख्तलिफ़ सोचूँ राया ख्याल पाण में तज़ाद रहा अज असा पाकिस्तान के क़याम से लागापियल बुनियादी सवालन ते गुफ्तगु करण लाए दावत दिनी है बिन मौजूद मेहमान के रसूल बख्श पलीजो साहब सिंध जो मुल्क जो माया नाज स्कॉलर है सियासी अखबार है ऐं पाण अवामी तहरीक जो सरबराह आहे असां दावत ॾिनी आहे साईं एम एच पंवर साहब खे पंवर साहब बि तमामु नामियारा असांजा सीनियर मुहक़िक़ ऐं स्कॉलर आहिनि ऐं हुननि जो तारीख़ खां वठी मुख़्तलिफ़ मौज़ुनि जे बारे में तहक़ीक़ मुख़्तलिफ़ ॾहाकनि ते मुहित आहे साईं वेलकम असांजे प्रोग्राम में भली इहे सभु तव्हां खां ॻाल्हि ॿोल था जो आगाज़ था करियूं त विरहाङे जे बारे में ऐं पार्टीशन जे बारे में मुख़्तलिफ़ ऐं मुतज़ाद तस्वर नज़रिया ऐं उन जूं इंटरप्रिटेशन्स रहियूं आहिनि ऐं हेसि ताईं इहो मुंझारो या इन बारे में मुतज़ाद रहिया न रुगो असां वटि सिंध में पर पाकिस्तान लेवल ते सब कॉन्टीनेंट में ॿाहिरि दुनिया लेवल ते रहियो आहे तव्हां कीअं था सम्झो त उहे कहिड़ा मुहरिक हुआ या डायनेमिक्स हुआ हिंदुस्तान ते हिकिड़े ॾींहं में कब्ज़ो कोन कयो हिंदुस्तान में सदाई मुख़्तलिफ़ मुल्क हुआ हर ज़माने में हर दौर में आर्यन खां अॻे थोरे आर्यन खां पोइ जेके बादशाहतूं हुयूं उहे घणियूं हुयूं हिंदुस्तान में हिकिड़ी हुकूमत हुई कान न अकबर जे ॾींहंनि में ख़ुदि अंग्रेज़नि ॾींहं में बि हिकिड़ी हुकूमत कान हुई इलाही हुकूमत हुयूं ऐं मुस्लमाननि जॾहिं हीउ मुल्क फतह कयो त उनखे बि अहिड़ी तमामु सौ सदियुनि खां वधीक टाइम लॻी वियो अंग्रेज़नि खे बि हिकु सदी पूरी लॻी जो त मुल्क हुआ अंग्रेज़नि जॾहिं हीउ मुल्क छॾियो तॾहिं ॿियनि हंधि हिते बि हिन जो इंट्रस्ट इहो त इहे मुल्क जेके असां साॻिए वक़्तु फतह कयूं कोन बंगाल ते कब्ज़ो कयूं 1757 में ऐं सिंध ते कब्ज़ो कयूं 1843 में पंजाब में 1845 में 100 सालनि जे गैप में जेके जुदा जुदा मुल्क हिननि कब्ज़े में कया उहो असीं हरू भरू गॾु करे पोइ छॾियूं भई अवां हिकिड़ा मुल्क सुलून फतह कयो सुलू ऐं जान छॾियो जॾहिं वञूं था त जान छॾियो सुलून जो वरी हांगकांग ते कब्ज़ो कयो त हांगकांग खे जुदा छॾियो तव्हांजी ज़रूरीयात जेके मुल्क अॻे गॾु कॾहिं बि कोन हुआ यानी सिंध अॻे दखण सां त गॾु हुई कान सिंध तव्हां चवंदा त अंग्रेज़नि जॾहिं हिते फतह कयो नंढो खणु त उन्हनि खे हिकिड़ी रियासत खे जी सूरत में न वरितो मुख़्तलिफ़ रियासतूं मुख़्तलिफ़ रियासतूं हुयूं उहे गॾु ई कोन हुयूं उन्हनि सभिनी खे गॾु वधी हुननि पंहिंजे साम्राज्य में फादल लाइ हरूभरु हुनजो ख़्यालु आहे त हिंदुस्तान खे हिकिड़ो गॾियल मुल्क करे छॾियूं ताकी हिते असीं न करियो न्यू कॉलोनी ठाहियो छा ॾियूं भले नाले में हुकूमत जो इख़्तिलाफ़ु थिए ऐं कब्ज़ो करे जीअं सॼी दुनिया में टी दुनिया में कयूं अथनि अंग्रेज़नि ऐं साम्राज्य मुल्कनि जिते छॾीनि था नाले मात्र छॾीनि था बाक़ी टपण उहे साॻिया आहिनि ईअं हुनजो मफ़ाद हो हालांकि ग़लति ॻाल्हि हुई सिंध हिननि 1843 में कई 1947 में विया ते त जान छॾींदा सिंध पंहिंजी आज़ादु हुकूमत हुजी कहिड़ी किताब में लिखियलु आहे त सिंध जेका जॾहिं हिन बलान मां जान छॾाए त हरूभरू पंजाब जे ताबे हुजे या बंगाल सां गॾु हुजे या फलाऊं पोइ असांजी मर्ज़ी असांजी जान छॾियो खाली करियो असीं जेके असां ठहणु चाहियूं था भले ठहूं हुकूमत पंहिंजी रखूं न रखूं ठहूं न उठूं इहो वास्तो कयो हिकिड़ी इहा ॻाल्हि त इहो अंग्रेज़नि जा ज़ाती मफ़ाद हो ॿियो त हिंदुस्तान ते 800 साल हुकूमत कई मुस्लमाननि आउं चवंदो आहियां
तो वा कहर थे कांग्रेस क्या बार भरण वाले बार को कहरो हिंदुन से वो जुल्म मुसलमान से थोड़ो घट हो तो नेचुरली उनकी ख्वाहिश हुई तो हाँ असो वारो आजे हिंदुस्तान में बदा वो एन के बहान यो मिलो तो अक्सरियत की हुकूमत जमहूरियत लेकिन उनके असन हुकूमत में रहा बाकी छोर असा हुकूमत में रहा तेक जो मतलब हो तो मुसलमान के बिल्कुल शुद्र कर जो रामराज में रखो वेठा हिंसा शुद्र कर वेठा हूँ यह मुसलमान के पतो को मुसलमान की ख्वाहिश हुई अंग्रेज वन ही न वही मेरे जोर सर सैयद अहमद जो यो हो बेन जो भी जरूरी हो 1906 में जैसे मुस्लिम लीग थी तदें भी यो हो तो अस मुस्लिम लीग ठहण जो मकसद आ अंग्रेज सरकार सल्तनत से वफादारी जो ऐलान कर ए अंग्रेज के पॉलिसियन बाबत जो मूँ गलत फहमियों पा फैलन तो अंग्रेज सुठो हाकम को ये गलत फहमियों दूर कर मुस्लिम लीग ठाकुन था मुस्लिम लीग जहाँ कम है तो मुसलमान जहाँ जो मुतालबा से निहायत अदब एहतराम से सरकार बहादुर की खिदमत पेश कर कांग्रेस जो भी यो हाल हो मल्के मौजम ला रोज थ्री चेयर्स फॉर माफ न थी पैरि ख्याल ही को अंग्रेज वन यो बाद जो ख्याल पर प्रोसेस का 1936 का मालूम थो तो हि जमहूरियत में आन हि नेशनलिज्म के नाले में पान के जिना ब्याज मोहम्मद मौलाना मोहम्मद अली सब मू हिंदुस्तान के एक मुल्क समझी उनमें रहने तैयार हो सो वक्त कांग्रेस में हुआ सब कांग्रेस में पर जे कांग्रेस में बाहर हुआ उन्होंने थोड़ी चेक कोई विरहू थी विरहू तो ख्याल हो ही को सभी तो कें मुसलमान जो वध में तराड़ हुई असा जुदा वोट जो हक जुदा मुसलमान जो पेरी नौकरी में हाँ नौकरी में असा घट इक्सादी तरह एतरो दियो पंजाब में असि अक्सरियत में असा के अक्सरियत जो हक हकन दी गाल हुई पर पाकिस्तान गाल वो हकन दी गाल पो जने सफा बिल्कुल अच्छु पूरे बी रहा कुसंदे मरंदे हर कदम ते मोहम्मद अली जना मुस्लिम लीग ने साथ आली गाल कई 1928 में नेहरू कमेटी का नेहरू वाली कमेटी जगह ठही तेमें टके जो मामूली किस्म जो तरमीमू सो कबूल कबूल करना तैयार हुआ वो हुआ नशे में मस्त तो हि मुल्क अस मिलो अंग्रेज अस पास आया छोड़ो तोड़ ताई आखिरी दम ताई 46 ताई भी कहजे भी वहम गुमान में को हि पाकिस्तान ठो जैसे उन्हें लिखो कैबिनेट मिशन प्लान जो एहसन हो एडमिरल एहसन उन्हें कैप्टन हो तैं लिखो तो जैसे मोहम्मद अली जिना जहाज में चढ़ी इतने लथो तेरे मुख्य चई तो एसन तो खबर है कि बुधा ची हाँ चई तो मुझे वहम गुमान में भी को तो वो ही पाकिस्तान ठो 24 कलाक आर्डर नेगोशिएट थे पे हर वक्त उसी कें गाल छो तो जना खबर हुई तो ये बैकवर्ड इलाको इतने वेठा पुराना दख्यामूसी सिस्टम कबायली सरदार मकड़ू बीमारियों बीं इक्सारी तरह पोते पल इन मुल्क कटी वा तो हे धक्यारूसी कुत हवाले की वा मुसीबत में फंसी वा सिंध साहब कैल सिंध जहाँ मूँ पंजाब में बेजारो आ सही खबर हुई तेरे उन सजो वक्त एक बार्गेनिंग तौर उन बार्गेनिंग भी कई पे उम्मीद भी रची तीन फजीलत में अचन तो करूँ ठीक थियं पर वो बिल्कुल सुधया ही को सुधर हे को कुदरती तरह गाल भी कान हुई उनको सिस्टम ठो सो सिस्टम हिंदुस्तान को या तो अलग रियासतू कर पर या तो बिल्कुल सफा जुदा थी जुदा एक मुसलमान धार थी वो धार थे ये तो सिस्टम पलीर साहब पवन साहब गाल मुआशी सब समाजी तमाम तो इन सवाल तो पोत अचान पर हि जगह तह सब गाल रखी तो अंग्रेज नंढे खंड में जो उन्हें कब्जो कर फतेह कर तो उन रियासत के अलग अलग हासिल कर छड़न वक्त आया तो उनकी कंबाइन क्यों आम तरह जो अजम्पशन है जी थ्योरी घनी पॉपुलर आ बिन्हीं मुल्क के अंदर ए निसाबी किताबन में भी आशिल लिखल घने भांग यो है अंग्रेजन या घने भांग तारीदान ये लिखो है अंग्रेजन जो वो किरदार हो विरहांगे के हवाले से अंग्रेजन चाहो थे तो विरहांगो थे ही तहां सफा उन जी उबदी गाल तक तो यो तहां ख्याल में इन आर्गुमेंट के ता केतरो था अंग्रेज सख्त में सख्त खिलाफ वार तमाम घणो लिटरेचर है कले ता बेदा खणी बता अंग्रेजन चयो तो जेकरी ही पाकिस्तान ठयो तो ईरान अफगानिस्तान ए बेन मुल्क सा मिली ये तबाही कदा मैं जेके इन रिमार्क पास क्या लॉर्ड वेबल चयो ते लियाकत अली जे करी कुछ हैसियत में हुंदो इन जे वस में कुछ हुंदो तो लियाकत अली ही गंद थियण न ॾींदो पाकिस्तान जो का बेहतरीन सिरत ईंदी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ॿिया माण्हू सभु ख़िलाफ़ हुआ पाकिस्तान जी शदीद या कूड़ी प्रोपगंडा हिननि ठाही आहे त की वॾा अंग्रेज हुननि खे कयो या कांग्रेस जी चीफ बाज़ारी प्रोपगंडा आहे जेका एक्सपोज़ थी चुकी आहे वरी साहब हीउ जेको सवेर मूं पवन साहब सां ॻाल्हि कई त
विरहाङे जो जो ओवरऑल मजमूई पसंद तक बुधा पर सिंध समेत नंढन सूबन की जी पाकिस्तान के ठहण में पाकिस्तान में शमूलियत के बारे में रास्पो उन बारे में भी मुतजाद किस्म जहा रया बया तुम कें समझो तो हि जो सो प्रोसेस कि हो जैमें नंढा सूबा सिंध समेत उन पाकिस्तान के ठहण में उन शमूलियत में पंज रास्पो लिखा 1936 तक सिंधी मानू जो पाकिस्तान अलग थे तस्वर ही को सब हुआ तो बस असा हक मिलने से घट मिलो वो मिलो फल मिलो इकबाल पेश कर इलाहाबाद में रद्द कर 1930 में इकबाल साहब तो असा अंग्रेज वन जरूर को वही न वही संस मर्जी असा सिंध बलोचिस्तान सरहद दियो एज अ कंसॉलिडेटेड स्टेट अंग्रेजी अखरा अलम अमल गमेट क्यों अमल गमेट बाद कंसॉलिडेटेड स्टेट वन यूनिट बोलपट लिखो तो पंजाब वन यूनिट की घुर कई हुई वो वन यूनिट हाँ छाए छो पाकिस्तान ठहण का फेडरेशन में टोड़े कूड़ो वन यूनिट हक में छाए छो उन साल में जो काउंसिल हुई जहाँ उनकी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी हुई तो रद्द कर छो छो तो सिंध तैयार कौन हुई सरहद तैयार कौन हुई सब बेजार हुआ रणजीत सिंह के दिन में हमला थे हुआ पंजाब से को मू ग तैयार न हो वो खत्म थे पर जैसे 1936 में इलेक्शन थी 1935 के खिलाफ 8 रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कया जै एक्ट हेठ इन 7 साल हुकूमत पाकिस्तान से कई आइन को लगे वेठा जैसे खिलाफ रड़ी 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 मांग थे 1905 एक्ट न डिक्टेटरी एक्ट है उन डिक्टेटरी के लियाकत नहीं इस्तेमाल करट जन थी तरह दिठो कांग्रेस कें मू के वा तैयार न हुई मिनिस्टर सीनियर थे इलेक्शन का जैसे कांग्रेस 8 सूबन में पावर आई तक धंधा शुरू किया मानू वारधा स्कीम सही जन गण मन टैगोर वो सही किधर सजी सफा हिंदुआज्ड नैशनलिस्ट नैशनलिज्म के नाले में हिंदुआज सुध धंधो कर तद मू परेशान थे इन बार्गेन था कर पचड़ी थे पंजाब जो मुतालबो तो असो लियाकत जो मुतालबो तो हि दिल्ली में कड़ो लियाकत ली पंजा दफा चाहिए तो पाकिस्तान में अंग्रेज खपे इन जान छदाय असा अंग्रेज के मातहत रखो आज़ादी कें चाहिए जिना आज़ादी के बेजार ही ही असा यूपी सीपी या लीडर हुआ से आज़ादी आज़ादी के खिलाफ हुआ पाँच खली कुछ जमान तो कांग्रेस ही 20 साल कांग्रेस ही रहो लियाकत अली तो जहाँ सरकार परस्त पार्टी हुई एग्रीकल्चर पार्टी या गवर्नर यूपीए ठाई हुई तेजो मानू हो 36 के इलेक्शन में लियाकत अली जिना से कावड़ की इस्तीफा दी भजी वो हि तो सफा सरकारी मानू हुआ सजी गैंग सरकार की हुई इनको पे मुतालबो तो अंग्रेज रहे हिंदू में जान छुटे असा नंढा नंढा मुल्क दी शनशादी व्यूं ये माल खाऊँ तेज कर फायदे में को सिंध में मुसीबत थी 1938 में राष्ट्रीय ही गड वेठा तरह इन हाँ हिंदू असा दोस्त इतने अड़ो धमचर बारो आ गल हुकूमत थी हुई कांग्रेस जहाँ धंधा हिन मरजी नाजरीन असि गाल जारी रखूँ वक्त वेलकम बैक नाजरीन पलीर साहब हि जो तुम सिंध जो जो पाकिस्तान के हवाले से राज पे शामिल थे जो बुधा पस मंजर हि जो आम तरह 24 कलाक एक गाल वरजाई भी रहे थी साईं जीएम सैद पाकिस्तान के लिए ठहराव पेश कर सिंध असेंबली में यो पर्यों ठहराव पाकिस्तान के लिए कें नंढे सूबे में इनके तुम कें ठो तो ठहराव वाकई अजोके पाकिस्तान ला हो या तस्वर बे किस्म जो हो उन ठहराव के बारे में जो मुगालता तुम क्या ऐसो जी एम सर साल ठहराव पेश कर 1940 जो रेजोल्यूशन जो पास थो उन मुताबिक पाकिस्तान ठहन खे उन जी एम सर मुतालबो किया हिंदुस्तान जहाँ 6 इलाका धार धार क्या वन खुद मुख्तियार हुकूमतू हुजन खुद मुख्तार खुद इरादियत वारा है खुद मुख्तियार इलाका हुजन जुदा जुदा धारधार हुकूमतू हुजन इन मुतालबो कई जो वन यूनिट पाकिस्तान ठो पो या जो बाद की फेडरेशन हुई तक मुतालबो को पर छा जो गाल 40 वाली है यह अक्सर गाल कई वी 46 में मुस्लिम लीग वरी पे 40 वाले ठहराव के अमल रद्द कर छो अमेंडमेंट से तेज ख्याल में वह अमेंडमेंट बाकी रद्द करे थी न 40 साल के कुछ अमेंड को यानी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक अखर भी 46 में 1940 के उबत नॉट अ सिंगल वर्ड को देखा लख रुपया जो रियासत सूबन में तब्दील जो अखर को तब्दीली थी है 1941 में जैमें अखर टुगेदर एड कर
उन खां पोए उन ठहरा में हिकड़ो अखर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जी काउंसिल जेका हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी आ तें हिकड़ो अखर न चयो हे कमरा कड़ा ऐं कूड़ा दनेश्वर ठग जेके बदमाशियूं कंदा गुमराहियूं फैलाईंदा वतनि ॾेखारनि सभिनी खे ऐं चवां थो हीअ सभु वकील वॾा वेठा आहिनि सॼे पाकिस्तान जा जेके दाना आज़म हेॾा किताब छापिया वेठा आहिनि हिकिड़ो अखर ॾेखारियईं त उनखां पोइ प्रिंट उन खां पोइ 46 में वर्किंग कमेटी जो इजलास थियो आहे 1946 में 1909 थियो आहे इजलास थियो आहे काउंसिल जो उन में इहो एजेंडा ते बि कोन हो त पर पाकिस्तान जे एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स जे बारे में का अमेंडमेंट अचे 12 मई वारे काउंसिल जो इजलास न हो यानी कंहिं बि इजलास में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जे काउंसिल जो को बि इजलास एड इजलास वर्किंग कमेटी जो थोरी रुगो वर्किंग कमेटी जेका नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी हुई उनजे एजेंडा ते इहो कोन हो त 1940 में अमेंडमेंट कयो छा हो इलेक्शन में उहिदेदार चूंडजी आया 1935 इलेक्शन 45 इलेक्शन में उहे चूंडजी आया हुआ 1940 जे बुनियादु बिल्कुलु अॻे त हिनखे 36 वोट ई कोन मिलिया मुस्लिम लीग त हाराई हुई कुझु बि कोन कंहिं में कान आई हे चूंडिया हुआ उन मैंडेट ते त 1940 वारो कंदासीं जुदा जुदा रियासतूं ठाहींदासीं उन्हनि खे घुराए वियो त गॾिजी कनि चयो बाबा उहो फ्री था थियनि बंगालियुनि जे बारे में चवंदो हाणे असीं जुदा था थियूं हू चयसि जुदा था थियूं हू चयसि जुदा था थियूं उन्हनि खे घुराए कसम खणायूं त फ्री कोन वेंदा पाकिस्तान तां ऐं छाकाणि जो नेगोशिएशन हलिया पिया वज़ारती कमीशन तव्हांखे यादि हूंदी अची चुकी हुई अप्रैल जो महीनो हो इहो वज़ारती कमीशन ॻाल्हियूं हलियूं पिए तंहिं करे उन्हनि पंहिंजी राय ॾेखारी उहे जेके आया हुआ चूंडजी तंहिं जे वास्तां ठहिराइणो बहाल करायो त हीउ हिकिड़ो मुल्क थियणु खपे ईअं न हो त सावरियन सूबा न हूंदा सूबनि जा हिसाब छा हूंदा ॿिया छा हूंदा ऐं उन बॉडीअ खे को बि अख़्तियार कोन्हे रेज़ोल्यूशन माण्हू सॼी पिया पास कनि ईअं सिंध जे काउंसिल पास कयो इजलास त असां हीअ सूबा जेके ॿाहिरिनि मुल्कनि सां बि असांजा लॻा पवणु खपनि ऐं हिते अहिड़ो मुल्क पाकिस्तान जो ठहे जंहिंमें ॿियनि मुल्कनि जा माण्हू शामिलु थी सघनि जना वेठो न रूबरू ठाराए पास कयो माण्हू पास कंदा हा जेको थियो पर काउंसिल में जेको पास थिए दैट वॉज़ दी लॉ दैट वॉज़ वैलिड दैट वॉज़ बाइंडिंग ई मोहम्मद अली जिन अॻियां अलाई केतिरा रेवोल्यूशन पास रेवोल्यूशन माण्हू पिया पास कंदा हुआ देवर विदाउट अथॉरिटीज़ विदाउट एनीबडी जीअं मसलनि कॉन्स्टिट्यूट असैम्बली जे असैम्बली जे ॿारहं पाण हिते मीटिंग में वेही अलाई ठहिरा रोज़ कोन पिया मीटिंग में कॾहिं बदीन में असीं ठहिरा पास कंदा आहियूं सखर में ठहिरा पास कंदा आहियूं की हीउ हिकिड़ो ठहिरा पास थी वियो फस्टा रोज़ था थियनि पवन साहिबु हीउ जेको हिकिड़ो पस मंज़र पुलिस साहिबु ॿुधायो तव्हां ॿुधायो सॉरी ॻाल्हि कई यानी जेको हिकिड़ो 40 वारो रेज़ोल्यूशन जी ॻाल्हि पर सिंध जेका पाकिस्तान जे लाइ शमूलियत लाइ राज़ी थी या एडवांसी साम्हूं आई त उनजो हिकिड़ो सबबु इहो न हो त सिंध खे तजुर्बो हो तलख बम्बई सरकार सां गॾु रहण जो जेको तासुब जेको रवैयो उन सां रवार कयो बिल्कुलु इहा ई शइ त ॿिए तरफ़ सिंध ॾिठो न त असां बॉम्बे खां जुदा थी तरक़ी त थी न सवाल चंद सालनि में तमामु वरी मूंखे जेतिरे क़दुरु यादगिरी आहे त वरी तरक़ी थी पहिरियनि ॿिनि टिनि सालनि में त उन हालति में सिंधियुनि ॾिठो त असांखे फ़ाइदो थींदो जेकॾहिं असां इंडिपेंडेंट स्टेट हूंदी असांजी इंडिपेंडेंट सब पावर असांखे हूंदा तंहिं करे सिंधी जेको आहे ज़ोर शोर सां शामिलु थिया मूंखे सबबु बि हो पर साहिबु हीउ जेको पाकिस्तान जे क़याम जे बारे में ठाहिण जे बारे में समूरा पाकिस्तान जा निसाबी किताब खणजनि आम लिखियलु तारीख़ खणजे पहिरें ॾींहं खां अॼु ताईं हिकिड़ो वर्जाव आहे मुसलसल 24 कलाक त पाकिस्तान इस्लाम लाइ ठहियो जेको हीउ सॼो प्रोसेस तव्हां था ॿुधायो जंहिंमें इलाहाबाद जो इजलास उन खां पोइ इलेक्शन मुस्लिम जो हाराइण उन खां पोइ वरी 40 जो ठहरा वरी उन जी तौसीक ऐं ताईद 46 में ऐं सॼो प्रोसेस उन सॼे प्रोसेस में त उनजा मोहरिक सफ़ा ॿिए क़िस्म जा आहिनि त हिन आर्ग्यूमेंट खे या हिन रैशनल खे तव्हां कीअं था ॾिसो जेको हीउ चयो वञे थो त पाकिस्तान ठहियो ई इस्लाम जे मफ़द लाइ हिकिड़ो वाक़ियो थियो हिंदू मुस्लमान अॻे पाण में ठहिया ई कोन हुआ ऐं मुस्लमाननि तमामु घणे अर्से ताईं वीचारनि हिंदुअनि खे ॾभर नवा 800 साल हुन ते कब्ज़ो करियो इलाहुद्दीन जहिड़ा माण्हू कातिर ज़ाल वेठा हुआ पर गॾियल मुल्क जेके आहे गॾु थी रहियो आहे त उन मां माण्हू अलॻि थियनि था रुगो मज़हब जे बुनियाद ते थियनि था इहा ॻाल्हि कूड़ी आहे वॾे में वॾो कूड़ आहे त हिकिड़े मुल्क में मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जा माण्हू रही नथा सघनि मुख़्तलिफ़ मज़हबनि जा मुग़ल में घणा मज़हबनि वारा माण्हू रहंदा हुआ तंहिंखां पोइ ख़ुदि अॻूणे दौर में जॾहिं मुस्लमाननि जी हिते हुकूमत न हुई तॾहिं अरब ॾखण अरब में वापारी ईंदा हुआ हिते इलाही रहंदा हुआ यूरोप में मुख़्तलिफ़ मज़हबनि जा माण्हू रहंदा हुआ भला सऊदी अरब जिते ख़ादमैन हरमैन शरीफ़ आहिनि तशरीफ़ फरमाइन इहे तुर्क जे ख़िलाफ़त खां इस्लाम जे जुदा थिया त उहो काफ़र हुआ न असीं मुस्लमान जुदा थिया आहियूं स्पेन खां हॉलैंड जुदा थियो सो इस्लाम ईसाई इस्लाम जे करे जुदा थियो
ही जो को नेपाल आ सो हिंदुस्तान का जुदा है हिंदन हिंदुस्तान जे हिंदू स्टेट में बेजार आ वे वेजो तो वे सो मजहब बचाने ला पो करे उन जो मजहब जुदा है इन जो मजहब जुदा है मलेशिया है उन जो बीच में जेड़ो जो इंडोनेशिया लगो पो सो इस्लाम वाला जेड़ो लगो पो ये यूरोप जा सब मुल्क सागे मजहब जा ना सागे दीन जा ना पो इन जी एकड़ी स्टेट चा चा हे जे मुसलमान ईरान तुरान सही इराक इन जो मजहब धारदार हो ईसाई न हो यहूदी न हो इराक वालों के चोबला मिस्र सा मिलो मिस्र वारन के चोबला ईरान सा मिलो ईरान के चो सऊदी अरब सा मिलो भला जे शिया स्टेट पाण मिलो हिते को बारन गाल है जटन के मान के बेवकूफ ता के ना समझो टू नेशन थ्योरी के ता के सो टू नेशन थ्योरी के बुनियाद बनाए वने तो इन आर्गुमेंट ला त पाकिस्तान इस्लाम ल ठयो टू नेशन जो थ्योरी जो खालिक महात्मा गांधी हो मुसलमानन कदे भी कोन चयो ता सी अलग थियो न बुनियाद ते सब सर सज गाल कई वो हन जे रवैये करे तमाई खबर है कंसी कोन लेतो हंटर कंसी कोन मान को तो बानो ठाइदो अब जुदा थो दिजे नहीं जाले मुसलमान बार जुदा थो थिन इस्लामी कर जुदा थिन घर में बार मथा भाड़ो एक बेगा जुदा थिन था हे नहीं जाले में गाय जडी मानी खायो ने अटो फलाण तो करे फलाण तो लोग सबब त बुधान पंदो ना हाने मुसलमान सजे मुल्क है मालिक वा जने प्लासी जंग का कोई अरब बंगाल वठी गया हे ने कंगाल कर छियो बोली हुई फारसी अंग्रेजन फारसी बोली खत्म कर छरी उने जायत रखो अंग्रेजी मुसलमान अंग्रेजी पढ़ने का मौलाना उलमा कराम फतवा दिनी तो पढ़ो को सत्त दर्जा जो अंग्रेजी में पढ़ो सत्त जन्म में वो असा हिंदू भारो पढ़िया हे वेठा तो असि वही हुकूमत बहाल था कराम बुधाई बादशाह अच्छा वाली अंग्रेज फिरंगी वटेड़ी थे पदर खाई मुड़स मानू थे वेठा जो नारा हाँ जोर सा नारा बारा पे आया हुकूमत वापस था वो उन जमाने जो बुजुर्ग हुआ अड़ा सत्त जहाँ तीन पे बढ़िया ते कर हि सब कोशिशों कर जैसे बीठा बो को न थो ए महात्मा गांधी जो बाबा आऊँ राम राज जो हमने लिखो इतने लिखो मोट कागज पे इतने लिखो आऊँ सनातन धर्म जो आया आऊँ राम राज जो आया आऊँ उन समूरे सिस्टम के कामयाब तो करा आऊँ गौ रक्षा ला कम कंस हाँ यहाँ स्टेट की छह में मुसलमान रहा उनको हाल कड़ो थे मुसलमान तो गाल ही न कई गाल तो सब उन्होंने कई उन्होंने अग में बया हिंदू उन्होंने वह शुरू कर बंगाल के में पाल है असो दोस्त तें तो बाबा असा की हिंदू तहजीब ला आज़ादी खपे असि कौम परस्ती है सा हिंदू कौम परस्ती है लाला लजपत राय पंजाब में चयो तो हिंदू ए मुसलमान गड रही ना सकन हि तो कहानी इन ठाई है असा जिना किथे चो तो इस्लाम के करे पेरी गाल कहे हू न पछाड़ियों जैसे विड़ी वो कांग्रेस का नागपुर सुन का लंडन हलो वो वापस आयो ए जैसे मुस्लिम में शामिल तो थो तई तो आऊँ दाखिल थे तैयार आया शर्त यह मुझू वफादारियों हिंदुस्तान की आज़ादी जदोजो ए हिंदुस्तानी नेशनलिज्म से उन असर न कर किथे इन में बेजारवाद की हुकूमत ठाए पंजाब के चौधरी ने अंग्रेज परस्त मू इन सरदार ने वडेर ने सरदार मू बेजार मॉडर्न किस्म जहाँ मू जिन्ना जोड़ो मू चाहो तो ये मलक वेठा सरहद में मुसीबतूँ ये दजाल सिफत वेठा कबायली सरदार मू बया मारी इन हवाले के केर पसंद कह मौलाना आज़ाद पैं किताब में लिखो विरहांगे जो जिम्मेवार पटेल गांधी ए नेहरू हुआ सुबह जैसे खपे तक बुधा सभी जो कॉल है हिंसर सी इंडिया कबूल थी करे तो ब्राह्मण में कराए पर ये साहब ये जो तहां एकड़ो सजो पस मंजर बुधा आर्गुमेंट रखियो त कांग्रेस बुनियाद विधो विरहांगे जो भी टू नेशन थ्योरी जो भी जण त अमली तरह मजबूर कर मुसलमान के उ इन पास सोच इन पास वन एक पास यो बे पास मुस्लिम लीग जी अंदरूनी सूरत आलिया हुई तो जिना साहब पैं खुद पार्टी ला यो पे मूसा खोटा सिक्का मुझे खिसे पाया या कें जैसे पुछंस त पाकिस्तान मुस्लिम लीग छा तो चिड़ी पो चई तो पाकिस्तान मुँ मुझे टाइपराइटर ठा यानी यो उन एतमाद हो लीडरशिप थे तुम यह गाल कई तो जिना जड़ो मॉडरेट ए सेकुलर ए प्रोग्रेसिव मॉडर्न मानू यो को चाहे आ तो इन सदे मुस्लिम अक्सरती आबादी वन सूबन के सरदार वडेर चौधरी खानन इन किस्म के एक फरसूदा कुतन के हवाले कर आवाम दुश्मन मानून के बेअज़ाब में वजे तो तुम ना समझो त मतलब वो सूरत हाल हुई तो पार्टी के डिठी पे तो पार्टी उनकी अंदर लीडरशिप बाकी कड़े किस्म की आने सोच की भी खबर आई जो तजाद हो इनहेरेंट बाकी लीडरशिप उन विच में वो भी सामू हो तो उन को दिठो अगत मुस्तबिल में तो मुल्क ठण वही रो भली कांसी को बैठा वो पसो पेश कड़े को हवाले जना साहब गाल कई लिखी है वी आर बेटर द डेविल एंड द डीप सी डेविल हो
हरकत में बो डेवल भी हो वही जो पाकिस्तान ठो में तेमें जो बस वेठा हुक्मरान तबका जो समाजी निज़ाम हो अवाम दुश्मन साम्राज परस्त साम्राजी एजेंट वेठा फौज उन जमाने की सारी साम्राजी एजेंट हुई अंग्रेज के हथ में वेल हुई बेकाबू फौज हुई 1857 के अमृतसर वे एग्रीमेंट का वी कबुल चढ़ाई भी क्यों जैसे तक स्थापित क्यों हि तो वो मसररी आर्मी हुई जी मुसलमान मुल्क के खिलाफ बड़ी हुई उनकी खबर हुई सही गाल उन सजो वक्त बार्गेन पे किया कें तरह से हि मुल्क उत हो पर उनमें का शुन के एडो गुरूर हो खास कर मूठ समझा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऐडो को शरीफ मानू हो वो बिल्कुल उनमें कें भी किस्म की का भी रियायत दियन तैयार को उनमें पाई जो भी को एहसास न हो मुसलो वर चढ़ो 800 साल का रग घोटे पी जमूरत 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 कर रग जहाँ वेठा कर जमूरत जमूरत ये भी चाहता सिंध पंजाब के हथ नी आई हाँ मस मस आई है यूपी सीपी का आया ये खाए कुटी बुटी सिंध के सभी के टपड़ कर सिटी स्टेट से तबाही कर छूँ मौको मिलो फायदो वो पर यो सही हाल पर एक मजबूरी हुई पर बे पास डिठो को जे किस्म की कुवतू इन सजे प्रोसेस में हावी हुई मुसलमान के पारा उन पसो पेश इतने के आवाम आजाब बन भी तो उन यो फोर्स ही को या उन अगवाट इंतजाम कर खपंदा हुआ वो इंतजाम केतरा थे छो न बस सवाल है आऊँ पी राय दें तो मुख्य तो हिंदुस्तान की सियासत से दिलचस्पी कान रही मूरूस की सियासत बड़ी फर्स्ट क्लास रोमांटिक चीन की वियतनाम की फलस्तीन की अंगोला की मोजम्बिक की वगैरह 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 आ पढ़ते को घो पढ़ आऊँ नदी पता तो पैरें दौर के छोन दौर में मुसलमान सारी दुनिया के मुसलमान जहाँ जी वर्ल्ड लीडर्स पैदा थे उन टिन चाइन मानून में एकड़ो जनाह वेड़ के फन जो को माहिर समझा तो जनाह के समझा तो छो तो उनके माइन्यूटली वकील तौर पड़ो कदम कदम से बुठो तो इन चालू करें गाजी सलाउद्दीन अकबर अकबर के दिन में हुकूमत खत्म थी पी अकबर उनके रेस्टोर कर अकबर मुस्तफा कमाल पाशाह जनाह ये चार मानू जॉइंट्स हुआ जिन हुआ आर्मी जो मानू हो अकबर फौजी मानू हो पर उनका स्टेटमेंट हो सलाउद्दीन फौजी तो हो पर उनका पॉलिटिकल हो ये जी जॉइंट्स हुआ तीन कमजोर को हमने अकेले सिर सजे यूरोप के डिफीट कर मुस्तफा कमाल पाशाह डिफीट खादिल तबाह थियल बर्बाद थियल तुर्की के वरी उनके शिकस्त वरी भी है अकबर जो तख्त वो पो बारो अकबर जो तख्त रुगो उन्होंने हिंदू बार को बैरम खान वन जनरल जो कब्जो थी यतीम जो वो इन किए वापस कर जनाबी है वो इन वे कार्ड हुआ हि जी भरियो जे कमाल तेरे चाह वकील हो स्टेज से उन बला में जन छलूँ अंग्रेज में जन छलूँ इन बला में छलूँ टू वो पैया वो वेरेंदा जपानी कह ये हिस्ट्री उन खबर हुई तो जैसे वह नदी इंदी तदें कपड़ा कपाणी अग में कपड़ा लाइन न खन हिंसर सब मसला हल गल को सवाल हमेशा इन किस्म की गाल में उभरे तो जै जहानत से जै काबिलियत से जै एहतियात से जै पी कानूनी महारत से जिना साहब सो केस मिलो सजे प्रोसेस में उनके इंटरनली भी खबर रही तो इतने फोर्सेस कड़े किस्म जन कड़े किस्म जो इतने बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिकल कुवतू कड़े किस्म जो मुस्लिम लीग कड़े किस्म की कुवतन के हवाले आ सवाए उनके एक मानू के तो पाकिस्तान ठहण का अग जैसे पूरे प्रोसेस में जै जहानत जै कारीगरी जै एहतियात से उन सारी प्रोसेस के लीड किया पूरा इंतजाम रखा पाकिस्तान का मंजरनामे के बारे में उनके पूरी फोरसाइट जरूर होंगी हुस जो गाल रखी 43 में उनजा के कॉन्क्रीट मेयर्स नजर था अचन मिसाल तौर उर्दू बोली के पाकिस्तान की कौमी बोली तौर नाफिज कर जै बेड़ो जन तो बुनियाद विधो पाकिस्तान के अंदर सजे इन शो उन सजे दौर में सेहत खराब हुई गाल सही है उनके टाइम टाउन थोड़ो पर उनके बावजूद सवाए 11 अगस्त वाले तकरीर के जैमें उन पाकिस्तान जहाँ थुलेल के फाउंडेशन ना बड़ा जो बुनियादी सवाल के बारे में इंतजाम आ उन किस्म की गाल नजर थी अचे उन सबब छा पाकिस्तान आयो जना माउंट बैटन उन आयो माउंट बैटन चेस तो सिख तो कतल कर निकता है लियाकत नहीं सजो वक्त गलो लियाकत उन्हें मानो हाँ इनके डिजारी पे तू जी जुलूस इन माउंट लियाकत अली खान इन मनसूबो तो हि जुलूस भी न कढ़े उनके चौं जुलूस कढ़े तो सिख कतल कर निकता है खैर निको इतने अचान शक्ति पैरलाइज थी वो इन कुछ को
सभिनि जा माण्हू फ्री विया। पर पंडित साहब, इन सॼी शइ जे बावजूद हुन 11 अगस्त जी तकरीर में पाकिस्तान खे हिकिड़े सेक्युलर तस्वर यकीन ॾिनो, ॻाल्हि लॻी, पर इंटरनली जेको बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस खपंदो हो, जेके हुन ॾिठा पए, फोरसाइट कया पए, कोतूं कहिड़े उन क़िस्म जे शइ जे बारे में, क़ौमी सवाल जे बारे में, सूबनि जे इंटरनली बराबरी जे बारे में, उन्हनि जी नुमाइंदगी जे बारे में, उन्हनि जे राइट्स जे बारे में, सकाफ़ती पॉलिसी, पोलिटिकल पॉलिसी, इन्हनि शयुनि जे बारे में उन क़िस्म जूं फाउंडेशन्स न विधियूं वयूं जेके विझणु ज़रूरी हुयूं। क़बूल आहे, सवाइ हिकिड़ी ॻाल्हि जे, हिन हीउ ख़तरनाक माण्हू हुजनि हा, हिकिड़ो तमामु वॾो इनकलाबी माण्हू हो। जेकॾहिं तव्हां आर्मीअ वारे इनकलाब खे छॾे, हथियारबंद इनकलाब खे छॾे, सियासी इनकलाब करियो, हिन इनकलाबी हिकिड़ी ॻाल्हि कई जंहिंजी माण्हू खे ख़बर ई कान्हे। क़ाइद अज़म मोहम्मद अली जना चयो त हाणे मुस्लिम लीग जी का ज़रूरत कान्हे, हाणे पाकिस्तान लीग ठहणु खपे, नो मुस्लिम नो हिंदू। नवाए वक़्तु आर्टिकल लिखिया आहिनि, से अॼु ॾींहं ताईं पढ़ो। पंजाब बग़ावत कई, लियाकत अली दौलताना पाण में गॾिजी मुलाहत करे हिननि गैंग ठाहे उनजे ख़िलाफ़ु तूफ़ान अज़ीम कयो, जिना खे इंसल्ट कयूं। हीउ हिते हिन जे अॻियां छा हो? जिना गांधी सां मिली आयो आहे, ऐं जिना हू ऐं माउंट बैटन हुन सां गॾु आहे, लेबर गवर्नमेंट हुन सां टव आहे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स हुन जी गैंग आहे, लेबर ॼण कांग्रेस हुई, लेबर कांग्रेस जी वली, लेबर जी गवर्नमेंट उन्हनि ॼण त कांग्रेस जी गवर्नमेंट इंग्लैंड ते क़ाबिज़ हुई। हाणे हीउ फसाद करे, गोड़ करे, ही वॉज़ टू बिग अ मैन, बेपनाह माण्हू हो। हिन हू जो क़ाइद लीग वारे ठाहियूं लाभो हटी वियो। हाणे हुनखे ख़बर, आउं त मरां पियो, हुनखे ख़बर मुंहिंजी हयाती आहे कोन, वणंदो केरु हिननि सां, त हू चहिरो थोरी हुजो जीअं असां वटि सिंधी लीडर हुआ, भुट्टे खे मारण लाइ गोड़ करे, फसाद करे, वोड़ करे विहारी छॾियूं, या असांजे इस्लामी मदरसे में तैलीम जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी, जीअं खपे थी धम ॾी करे छॾियो, ऐं पोइ कूड़ा नारायणी सभु हई हलिया। हीअ त नेक्स्ट माण्हू हूंदो न, तंहिं करे हुनजी ख़बर ई तव्हां कुझु बि नथो करे सघां। हिन हुन चयो, लिखियो आहे फातिमा जना, मुंहिंजो भाउ ज़बरदस्त माण्हू हो, हुन ख़ामोशीअ सां अकेलो ज़ुल्म सठा, तकलीफ़ूं सठाई, ऐं ख़ामोशीअ सां अकेलो मरी वियो। पली साहब, मां आख़िरी ॻाल्हि तव्हां सां ॻाल्हि थो कयां त हिन सॼी गुफ़्तगू जे बारे में, त अॼोको पाकिस्तान जेको जिना साहब वारे विजन वारो पाकिस्तान बनाए, जंहिं क़िस्म जो सेक्युलर तस्वर ॾिनई रियासत जो, उहा सेक्युलर स्टेट बनाए, जंहिं क़िस्म जे आवाम जे हक़नि जी ॻाल्हि जिना साहब कई ऐं तस्वर हो, उहो अॼु हक़ तव्हां साम्हूं असांजे सूबनि जी ख़ुदमुख़्तारी, वाइदो रियासतुनि जो हो, अॼु सूबनि जी बि हैसियत छा रही आहे वञी, उहा पंहिंजे साम्हूं आहे। पाणी जो तकरार, NFC जो तकरार, ख़ुदमुख़्तारी जो तकरार, ॼण त सॼो मुल्क हिकिड़नि तकरारनि जे ऐं इंतज़ारनि जे दायरे में ऐं घेरे में आहे। यानी हिकिड़ो कॉन्ट्रेक्ट हो, हिकिड़ो मुआदो, उन मुआदे जी हर लम्हो पाकिस्तान जी तारीख़ हिकिड़ी नफ़ी आहे। असमा जहांगीर केस में सुप्रीम कोर्ट रूल कयो आहे त जेकॾहिं फ़ौजी आमर अची वेहनि, तव्हीं न पुॼी सघो त मार्च करे रहो, जॾहिं लहे त उनखे पकिड़े, उनते क़ैद हाणो केस हलायो ऐं उनखे सज़ाऊं ॾियो, ऐं जेके हुननि कानून पास कया हुजनि उहे सभु रद्द करे छॾियो ऐं नई कानून ठाहियो। हिन जुडिशरी खे ख़तमु करे छॾियो। क़ाइद अज़म जो समूरो शहर जो तल कोन्हे, पाकिस्तान आज़ादु मुल्क करे छॾियऊं, हीउ ग़ुलाम मुल्क आहे। हिन मौजूदु निज़ाम जो पाकिस्तान सां को वास्तो कोन्हे। जिनाह जी उबतड़ा जो हिकिड़ो भवायतो ख़्वाबु आहे, जीअं माण्हू हिकिड़ो ख़्वाबु लाइ सुहिणो हसीनो जवाबु ॾिए, जीअं कंहिंखे ख़ूबसूरत नाज़रीन पढ़ाए ॾिजे ऐं पछाड़ियो लिकाए वरी अंधी कुंवार हुनखे ॾेई छॾियूं, ॾिसी बेहोश थी वञे, ठरी पीए। ईअं दोखो थियो आहे, यरमाल थियो आहे। तारीख़ जा जेके वॾे में वॾा दोखा आहिनि, तिन मञा हिकिड़ो आहे हिन निज़ाम खे ही जो क़ैद आहे। अॼु पाकिस्तान जीअं अमरीका जे हथ में इराक आहे नाजाइज़ कब्ज़े हेठि, अफ़गानिस्तान आहे, ॿिया मुल्क आहिनि, की ही साम्राज्य जे नाजाइज़ कब्ज़े हेठि आहे, ऑक्युपाइड टेरिटरी आहे, टेक्निकली आज़ादु आहे। इनफैक्ट दिस इज़ एन एनस्लेव्ड कंट्री। उन सभिनी खे जदोजहद करे पाकिस्तान क़ाइद अज़म वारो बहाल करणु खपे। नाज़रीन, तव्हां असांजे अॼोके प्रोग्राम में पाकिस्तान जे क़याम, उनजे पस मंज़र, उनखां उनजे बुनियाद, उनजे मुहरकनि ऐं उनखां पोइ जे हालतुनि जे बारे में रसूल पलियो साहब ऐं MH पवर साहब जी गुफ़्तगू ऐं तारीख़ जे हक़ीक़त तां पर्दा खणंदड़ गुफ़्तगू ॿुधी, इन सां गॾु ई पंहिंजे मेज़बान जामी चांडे खे इजाज़त ॾींदा।